हेलो गाइज, दिस इज योर फ्रेंड बिलाल मोहम्मद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज, आज मैं हूँ कर्नाटका एक्वेरियम के सेकेंड ब्रांच में। ये कौन सा लोकेशन है भाई? ये आके जेपी नगर सिक्स फेस है ये। सो गाइज, इसका लोकेशन है जेपी नगर सिक्स फेस। ये सेकेंड ब्रांच है, ये मेन ब्रांच नहीं है। तो आज क्या बताओगे आप हमें? आप मेरे पास फिशेस मिलते हैं, फिशेस मेरे पास वराइटीज मिलती है। टिल्फन में टिल्फन है, ये फोर टू फाइव इंचेस के टिल्फन है मेरे पास। 600 रुपीज का पेयर है। 600 रुपीज पेयर, हाँ 600 रुपीज। और ये कौन सा है इधर पे जो व्हाइट कलर का? ये किसिंग ग्रामी बोलते हैं इसको। किसिंग ग्रामी बोलते हैं, वो भी 600 रुपीज का पेयर है। इसका फीट जो नॉर्मल जो फीट आता है वही फीट कर सकते हैं? वही फीट करते हैं। नॉर्मल जो फीट आता है वही। जो ये इसको जो कॉलोनी में जो रखा जाता है वो कौन सा फिशेस होगा? वो इसके टैंक में रख सकते हैं। नॉर्मली चिकलेट वैरायटी अलग होती है, उसको सेपरेट ही रखना पड़ता है। ये टिल्फाइन मतलब किसिंग ग्रामी ये सब आके नॉर्मल फिशेस होते हैं। जैसे गोल्ड होते हैं, सबको गोल्ड बहुत पसंद होते हैं, गोल्ड रख सकते हैं इसके जोड़। और उसके साथ कार्प रख सकते हैं, क्वी कार्प बोलते हैं उसको रख सकते हैं। ये कार्प होते हैं, ये कार्प रख सकते हैं आप उसके जोड़। ये कार्प आके आपको 120 रुपीज का पेयर पड़ेगा आपको। वो आराम से रह लेगा, कुछ झगड़ेगा नहीं। इसमें गोल्ड भी आता है, वो भी मिल जाएगा, वो भी रह लेगा आपके साथ। ये वो मिल्की कार्प है, ये मिल्की कार्प है, ये आपको ये भी 120 रुपीज का पेयर है मेरे पास। 120 रुपीज पेयर है। तो इधर ये फ्लोरन है, फ्लोरन है, ये भी 1800 रुपीज का है। ये मेल है या फीमेल? मेल है। कि इसे हेड आएगा ना? हाँ इसे हेड आएगा। अभी तो ये परसों ही आया है, इसको अभी मैं हेड ग्रोथ करना पड़ेगा। इसमें देखो ये और एक फ्लोरन है, ये भी 1800 का है। देखो ये इसे हेड आके इसको ये आके आपको 1800 ही पड़ेगा। इसका कुछ फूड अलग आता है क्या? हाँ इसको आप अलग ही फूड डालना पड़ेगा। श्रिम्प आता है, एम्पियर्ड आता है आपके पास, वो मिल जाएगा? हाँ मेरे पास हर रकम का फूड भी मिल जाएगा। क्या कौन सा चाहिए वो साइज के एक्वेरियम में बैठ जाएगा? ये प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा? नहीं आराम से बैठ जाएगा। और इसको सैंड डालना पड़ता है आपको, फ्लोरन को सैंड डालना पड़ता है। सैंड भी आपके पास अवेलेबल रहेगा? हाँ ये आके चिकलेट्स हैं, बड़े चिकलेट्स हैं। इसमें देखो ऑस्कर्स हैं, छोटे ऑस्कर हैं आपको, वो आके 450 रुपीज पड़ेगा छोटे ऑस्कर। ये जो बड़ी है जो चिकलेट है वो आके आपको 650 रुपीज पेयर पड़ेगा। वो बड़े साइज के हैं चिकलेट। इसमें छोटे भी चिकलेट मिलते हैं मेरे पास, वो आपको 450 रुपीज 350 रुपीज ऐसा रहेगा। साइज पे वेरी होगा प्राइस, साइज पे वेरी होगा। इसमें आप नॉर्मल फिशेस नहीं रख सकते हो राइट? नहीं नहीं, ये पूरा अलग वैरायटी है, पूरा डिफरेंट ही वैरायटी है। चिकलेट वैरायटी इसको ही बोलते हैं, ऐसे ही मछली को चिकलेट वैरायटी बोलते हैं। ओके, तो इधर पे आप मैं देख सकता हूँ कुछ पिराना दिख रहा है मेरे को। हाँ ये पिराना है, ये इसमें अल्बिनो पिराना है। ओके अल्बिनो पिराना है, ये आके 300 रुपीज का पेयर है। और ये कोई क्या बोलते हैं इसको? हाँ इसको ब्लैक पिराना बोलते हैं, ये आके 250 रुपीज का पेयर है। तो मोस्ट पीपल एज्यूम करते हैं ये जो मूवी में बताता है वो टाइप का बिराना है, नॉनवेज वगैरह खाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। ये पाको पिराना बोलते हैं इसको, पाको पिराना बोलते हैं। ये आके इसको लाइव फीडिंग मत दो, इसको नॉर्मली जो फूड मिलता है एक्वेरियम शॉप पे वो लेके डालो, उसमें नॉर्मल फिश वो लेके डाले तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और इधर पे ये कैट फिशेस है, कैट फिश है ये। ये आके आपको 100 रुपीज का पेयर है। 100 रुपीज पेयर, 100 रुपीज का पेयर है। ये क्या फूड लेगा? ये नॉर्मली जो नॉर्मल जो फूड लेता है वही फूड लेगा। ये भी फिश जो फूड लेता है वही फूड लेगा। तो इधर पे कौन सा आपके? हाँ ये आके पैरेट फिशेस है, पैरेट फिश। ये ऑरेंज पैरेट है, ये आके आपको 50 रुपीज का पेयर है। ओके हाँ उसमें छोटे हैं, 450 रुपीज का है छोटा पैर। हाँ तो इसे कुछ फूड अलग आता है क्या? हाँ पैरेट को अलग अलग फूड आता है। तो वो आपके पास अवेलेबल है? हाँ वो अवेलेबल मेरे पास, पूरा अलग अलग मछली का भी मेरे पास फूड मिल जाएगा आपको, वैरायटी फूड मेरे पास भला। इनको हीटर कंपलसरी चाहिए? हीटर डालने पे इसका कलर और ये वैरायटी आपको अच्छी दिखेगी, फूड मेंटेनेंस करने पे और हीटर डालने पे। ओके इनका कलर एनहेंस होगा अगर टेम्परेचर रहा तो, टेम्परेचर रहा तो। ये चिकलेट्स हैं, ये पूरे चिकलेट्स हैं, वो आके आपको 350 रुपीज का पेयर है, छोटे हैं वो मीडियम साइज के। इधर पे आप कौन से तो ब्रीड्स की मच्छी देख सकता हूँ मैं?
इसको क्या बोलते हैं, इसको रोजी रोजी बम बोलते हैं इसको। ये 50 रुपीज का पेड़ है, 50 रुपीज पेड़, 50 रुपीज पेड़ है। ये कुछ प्लांटेड में रखना है या? नहीं, नहीं, प्लांटेड में नहीं, प्लांटेड में रख सकते हो, लेकिन प्लांटेड के लिए तो ये रेफर अच्छा है। ये आप ज्यादा रेड टेट्रा बोलते हैं। ओके, रेड टेट्रा है, नॉर्मल टेट्रा आता है पूरा, हाँ उसको प्लांटेड में रख सकते हो। ये चिकलेट है, सब में छोटे चिकलेट ये है। ये 120 रुपीज का पेड़ है, 120 रुपीज पेड़ है। वो मिनिमम आपको 2.5 फीट का है, 2.5 फीट का है, इंचेस का, 2.5 इंचेस का है मैक्सिमम, 2.5 इंचेस का है वो। वन में अगर किसी कस्टमर को इनको रखने के लिए एक्वेरियम चाहिए तो आपके पास मिलेगा? एक्वेरियम भी मिलेगा मेरे पास, एक्वेरियम हर रकम का मेरे पास एक्वेरियम मिल जाएगा। ये कौन सा साइज का है? ये 9x6x12 का है। ये क्या प्राइसिंग प्राइस है इसका? 50 रुपीज है ये, विद टॉप। ये आके आपको 3000 रुपीज पड़ेगा, 3000 रुपीज। ये आके आपको टॉप और टैंक मिलेगा, टॉप और टैंक। और 10mm ग्लास है उसका, 10mm ग्लास, 10mm ग्लास है उसका। इसका जो टॉप है सेम है क्या, मतलब दोनों जो एक्वेरियम इधर पे है? वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। एक बॉक्स टाइप का आता है, एक हाउस टाइप का आता है। ये कस्टमर प्रेफरेंस है, जो चाहिए वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। अगर किसी को एक्वेरियम भी ट्रांसपोर्ट करवाना है तो आप? ट्रांसपोर्ट भी करा सकता हूँ, फिशेस के साथ ट्रांसपोर्ट भी कर सकता हूँ। और ये इम्पोर्टेड टैंक है, ये फाइबर की आती है, विथ स्टैंड आती है, ये विथ स्टैंड, विथ स्टैंड आती है। इधर स्टोरेज बॉक्स रहेगा, स्टोरेज बॉक्स रहेगा उधर। और ये इम्पोर्टेड टैंक है, इसे लाइट भी है कि इनबिल्ट? लाइट आती है, लाइट आती है और फिल्टर आती है। 16.5000 की है ये, 16.5000 की, 2.5 फीट की है ये, 2.5 फीट की। तो एक्वेरियम में रखने के लिए स्टोन्स भी है आपके पास? स्टोन्स भी है मेरे पास। ये देखो एलिफेंट रॉक है, एलिफेंट रॉक बोलते हैं इसको। पूरा मेरे पास एक पूरा पूरा रॉक आके 300 का फिक्स रखा हूँ मैं, 300 रखा केजी, 300 केजी का 300 रुपीज रखा हूँ मैं। ओके, आपके पास मराइन सेटअप में रखने के लिए भी? मरीन का भी है, एक्वास्केप के लिए भी स्टोन है, सबके लिए, सबके लिए। और टर्टल्स के लिए भी स्टोन रख सकते हैं, टर्टल्स भी है मेरे पास। आपके पास ड्रिफ्ट वुड भी देख सकता हूँ मैं? ड्रिफ्ट वुड है। क्या है ड्रिफ्ट वुड का प्राइस? ड्रिफ्ट वुड का केजी का क्या आपको 400 रुपीज है, 400 रुपीज केजी, केजी का 400 रुपीज है। तो इसका जो डिजाइन बहुत यूनिक डिजाइन है, मतलब जो ट्री टाइप डिजाइन है, 650 रुपीज केजी पड़ेगा, केजी पड़ेगा ये इसका। गाइज आप देख सकते हो डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप चाहिए तो अच्छी तरह आपका एक्वास्केप टैंक की इस जो ड्रिफ्ट वुड है अच्छी तरह डिजाइन कर सकते हो। टैंक में सेटअप करने के लिए बहुत स्पेशली चीज है ये, जो स्पेशल चीज, यूनिक चीज, यूनिक चीज। आपके पास फूड किस ब्रांड्स के है? हर एक ब्रांड का फूड मिलेगा? हर एक ब्रांड का फूड मिल जाएगा मेरे पास। ये देखिए, ये पूरा फिश फूड है, ये फिश फूड है, ये हर एक ब्रांड का, हर एक का मिल जाएगा। ये देखो एनी का फूड है, ये देखो ट्रू कलर है, चिकलेट के लिए, हॉस्कर के लिए अलग है, टर्टल के लिए है, बेटा फिशेस के लिए है, इसके फ्लोरन के लिए है, हर एक के लिए मेरे पास फूड मिल जाएगा आपको। ये हीटर है, ये हीटर डालते हैं ना टैंक में, वो हीटर है। हीटर कितना प्राइस पड़ेगा इसका? 350 रुपीज का हीटर, 350 रुपीज हीटर पड़ेगा। 100 वाट्स का, 150 वाट्स का, 300 रुपीज का है। तो ये एक्वेरियम में एक्सेसरीज जो डिजाइन करने के लिए प्लांट्स वगैरह है आपके पास? सब मिल जाएगा मेरे पास। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं इधर पे। लेकिन ये क्या है इधर पे, एक यूनिक चीज दिख रहा है? ये हैंगिंग बॉल बोलते हैं इसको, हैंगिंग बॉल, हैंगिंग बॉल बोलते हैं इसको। ये आके हैंगिंग बॉल को, बॉल का आपको 850 रुपीज का पड़ेगा, 850 रुपीज। ये फिक्स बैठ जाएगा वॉल पे, वॉल पे बैठ जाएगा, कुछ डैमेज नहीं होगा। कौन सा मटेरियल है ये? मटेरियल आके फाइबर, एक फाइबर है, पूरा फाइबर है, वो पूरा फाइबर, फाइबर है। 100% लीक तो नहीं आएगा, वो 100% लीक नहीं आएगा। उसमें कौन से टाइप्स के फिशेस रख सकते हो? हर टाइप के फिशेस रख सकते हैं इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये टॉप फिल्टर का स्पंज है, ये स्पंज बोलते हैं ना टॉप फिल्टर का, ये स्पंजस है। कुछ अगर फिशेस के लिए अगर मेडिसिन चाहिए तो? मेडिसिन भी हैं फिशेस के, मेडिसिन हर रकम के मेडिसिन मिल जाएंगे मेरे पास। ओके, ये नेचुरल हीलर, बट वाटर कंडीशनर, सब के मेडिसिन, क्लोरीन वगैरह सब कुछ है आपके पास? सब मिल जाएगा। जस्ट एक कॉल पे आप डिलीवर कर दोगे? कर दूंगे।
तो आपका एग्जैक्ट अभी एक टाइम लोकेशन बोल सकते हो व्यूवर्स के लिए? मैं जेपी नगर 6 फेज पुटानहली में रहता हूँ और इंचारा के बगल में मेरा शॉप है। तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल? मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है 7406378867। तो गाइज आपको इस शॉप का एग्जैक्ट लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को इधर पे एंड करेंगे।